हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लॉकडाउन की वजह से सारी कोचिंग बंद हो चुकी हैं और यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो आ रहे हैं रीट को लेके, 2020 रीट को लेके, स्टडी को लेके, जो कि बच्चों को बहुत भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को कुछ अच्छा दे सकूं, एक प्रॉपर वे में दे सकूं। ज़्यादातर बच्चे करते क्या है, एक वीडियो खोला, वीडियो देखा, दूसरी वीडियो में चले गए, उनको पसंद नहीं आया तीसरे में चले गए, कोई प्रॉपर और पूरा मटेरियल प्रोवाइड नहीं करा रहा है, सब भ्रामिक हैं। अगर आप इस तरीके से वीडियो देखते रहे तो आपकी असफलता पक्की है। मैं आज हिंदी की शिक्षण विधियाँ लेके आया हूँ। मैं आपके लिए रेगुलर शिक्षण विधियाँ लेके आऊँगा, साइकोलॉजी लेके आऊँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाल बटन को दबाइए, बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ आएगा कि मैं आपको किस तरीके से समझाता हूँ, आगे फिर हम किस तरीके से पढ़ेंगे, हमारा क्या रहेगा, सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। देखिए, शिक्षण विधियाँ समझने से पहले हमको समझना होगा भाषा। भाषा शिक्षण समझना होगा। पहले क्या समझना होगा बेटे? भाषा राइटिंग पे ना जाएं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है तो मैं हर चीज़ बोलूँगा। ज़्यादा राइटिंग पे ध्यान नहीं दें, मैटर पे ध्यान दें। आपको इस तरीके का मैटर प्रोवाइड करूँगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारी जगह से कलेक्ट करके आपके लिए तैयार किया है और प्रॉपर वे में पूरा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब ये वो वीडियो नहीं। मैं आपको प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइड कराऊँगा, प्रॉपर लिखाऊँगा, पूरा पढ़ाऊँगा। लेकिन शर्त यही है आपकी, मेरी आपसे यही है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें। मैं चाहता हूँ रीड 2020 जब भी हो, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप घर पे हैं, अच्छे से पढ़ें और अच्छी जगह से पढ़ें, ठीक है? तो भाषा शिक्षण, सबसे पहले हमें भाषा क्या होती है ये समझना होगा। भाषा क्या होती है, अभी तक आपने कहाँ पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, वो एक अलग मैटर है, समझने की कोशिश करें। देखिए, भाषा क्या है कि दो लोगों के बीच में हुई बातचीत, दो व्यक्तियों के बीच में हुई बातचीत या उनके विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, एक तरीका है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा लिखित और मौखिक। भाषा क्या है बेटा? लिखित भी होती है, मौखिक भी होती है। अपने को समझना है, आगे चल के हम समझेंगे भाषा के लिखित रूप को भी समझेंगे, मौखिक रूप को भी समझेंगे। लेकिन अभी हेडिंग डालें भाषा शिक्षा, हेडिंग डालें भाषा शिक्षण और उसमें कुछ लिखेंगे। भाषा शिक्षण में हम कुछ लिखेंगे, मैं आपको प्रॉपर लिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात क्या है, नोट्स बनाने हैं आपको, एक नोट्स तैयार करवाऊंगा आपको, जिससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? भाषा शिक्षण इसमें लिखेंगे, मानव के रूप में हम लोग एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करते हैं, उसे उस व्यवहार को शारीरिक अंगों के हाव भाव से, एक दूसरे के संकेत आदि से, अपने एक हाव भाव विचार संकेत सभी क्या कहलाते हैं बेटा? भाषा कहलाते हैं। जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी को भी समझाने का प्रयास करता है, विशेषकर हाथों के, गर्दन के, आंखों के संकेत से भी समझाने का कोशिश करता है, तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होती है। एक दूसरे के विचार एक दूसरे को व्यक्त, वैसे भी आपने वो गाना सुना होगा, आँखों ही आँखों में प्यार हो गया। तो आँखों की, हाथों की, ये सब क्या है? एक भाषा ही है। भाषा केवल मनुष्य की ही नहीं होती है, भाषा केवल, आगे लिखेंगे, स्टेप बदल के लिखेंगे, भाषा केवल मनुष्य की ही नहीं होती है बल्कि अन्य प्राणियों में भी पाई जाती है, और लेकिन आप सोच रहे होंगे प्राणियों में पाई जाती है, हम तो समझते नहीं हैं, लेकिन अन्य प्राणी जीव जंतु की भाषा वो आपस में ही समझते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, आपस में चींटियाँ चल रही होती हैं,
या जब गाय का बच्चा आता है, भैंस का बच्चा आता है, तो भैंस जैसे ही उसको रमाना कहते हैं, वो कर रमाती है तो बच्चा भी रमाता है, वो आपस में बात करते हैं। ऐसा ना समझें कि वो बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं। देखिए, तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है, रामायण के बारे में सुना होगा, पढ़े कि खग जाने हूँ खग की ही भाषा, कि जो खग पक्षी होते हैं वो पक्षी की भाषा जानते हैं। स्टेप बदल के फिर लिखें, तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है, इसको स्टेप बदल के ही नए स्टेप में लिखते हैं, कि तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है खग जाने हूँ खग की भाषा, फिर स्टेप बदल के लिखेंगे। परंतु वर्तमान समय में आधुनिक विचारकों, देखिए कुछ परिभाषाएं हमें पढ़नी होंगी, कुछ परिभाषाएं आपको मैं लिखाऊंगा, ठीक है, और वो आपको याद भी करनी है, क्योंकि पेपर में कभी कभी पूछ लेता है। वर्तमान समय में आधुनिक विचारकों एवं विद्वानों का मानना है कि भाषा वह होती है जिसमें ध्वनि पाई जाती है और विचारकों के प्रकटीकरण में सहयोग करती है, और विचारों के प्रकटीकरण में ध्वनि। ध्वनि क्या बेटा? एक आवाज़ है, जो बात करते हैं उस टाइम जो आवाज़ निकलती है उसको ध्वनि कहते हैं। हम क्या है, अब कुछ कुछ कवियों की, कुछ दार्शनिकों की, कुछ वैज्ञानिकों की परिभाषाएं लिखेंगे। सबसे पहले उसमें प्लेटो के अनुसार लिखेंगे, प्लेटो एक दर्शन शास्त्री हुए, उनके अनुसार लिखेंगे, प्लेटो के अनुसार लिखेंगे, प्लेटो के अनुसार, ठीक है बेटे, प्लेटो को अनुसार लिखेंगे। विचार हमारी आत्मा की मूक बातचीत होती है, विचार हमारी आत्मा की मूक बातचीत होती है, जब ये होठों से बाहर निकलकर ध्वन्यात्मक रूप ले लेती है तो इसे ही भाषा कहते हैं। प्लेटो कहते हैं कि ये हमारी आत्मा की मूक बातचीत है, ध्वन्यात्मक। जब आत्मा की कोई आवाज़ होती है, आपने सुना होगा कि आत्मा की एक आवाज़ होती है, आत्मा हमारे शरीर में ही है, तो जब ये आत्मा की आवाज़ जो बाहर होठों का रूप ले लेती है, ध्वन्यात्मक रूप ले लेती है, तो इसे क्या कहते हैं बेटे? भाषा कहते हैं। इसके बाद में हम लिखेंगे रामचंद्र वर्मा के अनुसार। किसके अनुसार लिखेंगे? रामचंद्र वर्मा के अनुसार। मुख से उच्चारित होने वाले वर्णों वह शब्दों का समूह, मुख से उच्चारित होने वाले वर्णों या शब्दों का समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है, भाषा कहलाती है, भाषा कहलाती है। इसके बाद में लिखेंगे स्वीट के अनुसार। इसके बाद में लिखेंगे बेटे स्वीट के अनुसार। इसके बाद लिखेंगे स्वीट के अनुसार। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। स्वीट कहते हैं कि भाषा जो है विचारों की अभिव्यक्ति, अपने विचार प्रकट करने की एक माध्यम है। इसके बाद लिखेंगे सुमित्रानंदन पंत या सुकुमार कवि। देखिए, सुमित्रानंदन पंत को ही सुकुमार कवि कहते हैं, तो लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत। इसके अनुसार लिखेंगे बेटे, भाषा एक प्रकार से विचारों का नाद में तंत्र है। भाषा क्या है? नाद में तंत्र है, ध्वन्यात्मक स्वरूप एवं हृदय तंत्र की झंकार है, जिससे विचारों का आदान प्रदान होता है, जिससे विचारों का आदान प्रदान होता है। ये कुछ मोस्ट परिभाषाएं थीं, परिभाषा तो और भी हैं, लेकिन मैं आपको मोस्ट मोस्ट दिखाऊंगा, जिनका पेपर में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। अब क्या है, हम लिखेंगे भाषा की विशेषता। क्या लिखेंगे? भाषा की विशेषता, विशेषता है। इसमें लिखेंगे, देखिए भाषा क्या है, जैसा कि आपने सुना ही होगा, समझा होगा, भाषा सदैव अर्ज संपत्ति होती है। भाषा अर्ज संपत्ति होती है, कैसे?
क्या भाषा जन्मजात होती है या अर्जित होती है? आप बताइए कि भाषा जन्मजात होती है या अर्जित होती है? नहीं, भाषा अर्जित संपत्ति होती है। एक बालक जिस परिवार में जन्म लेता है तो वहाँ की वो भाषा को अर्जित करता है, वहाँ की वो भाषा को अर्जित करता है, ना कि पहले से उसके अंदर जन्म से ही कोई ध्वनि या कोई विचार या कोई भाषा उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए भाषा सदैव क्या है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाषा है जन्मजात संपत्ति, अर्जित संपत्ति, ऑप्शन में और भी कुछ दे दे, तो आपको क्या करना है, सदैव अर्जित संपत्ति है नंबर एक। नंबर दो पे भाषा गतिशील होती है। भाषा क्या होती है बेटे? गतिशील होती है। गतिशील कैसे है? गतिशील समझने की कोशिश करेंगे, गतिशील कैसे है कि कोई बाहर, जैसे हम बाहर जाते हैं, हमें हिंदी आती है तो हम वहाँ इंग्लिश सीख लेते हैं, तो भाषा बाकी भाषा वहाँ के लोग आए, अपने अंग्रेजी छोड़ गए, हम हिंदी छोड़ के आ गए, तो एक भाषा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गतिशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है। तीन नंबर पे लिखेंगे, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। देखिए, हिंदी भाषा संस्कृत से आई, इसमें पहले संस्कृत भाषा के बाद में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ऐसे कर गए हिंदी आई। भाषा समन्वयकारी होती है। समन्वय का मतलब होता है इसमें दूसरे शब्दों का मिलान हो जाता है, मिल जाना होता है। जैसे हिंदी में स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल तो इंग्लिश का था लेकिन हिंदी में मिल गया। भाषा वातावरण की उपज है। भाषा क्या है? वातावरण की उपज है। भाषा सामाजिक उपागम है। भाषा व्यवहार का संसाधन है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। अगर कुछ जल्दी बोल गया हो तो वीडियो को रोक के आप आराम से लिख लें, लेकिन इनको नोट करें, प्रॉपर लिखें। भाषा ध्वनियों का संकलन है। भाषा आत्मा के विचारों की अभिव्यक्ति है। भाषा आत्मा के विचारों की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट पे लिखेंगे, भाषा एक मानक रूप होती है। भाषा का कोई एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है सब भाषाओं का। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा क्या है बेटे? अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा सरल से कठिन की ओर होती है। भाषा कठिन सरल से कठिन की ओर होती है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का ऐसा कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, कोई फिक्स स्वरूप नहीं है जिसके माध्यम से मैं आपको ऐसा बता पाऊँ। ठीक है, कोशिश करूँगा कि और अच्छे से आपको और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। अभी मैंने आपके लिए इस लॉकडाउन को देखते हुए कोचिंग बंद हो गई, भी यूट्यूब पे बहुत सारी भ्रामिक वीडियो हैं जिनको बच्चे देख के इधर उधर भटक रहे हैं, इसलिए मैंने शुरुआत की है अभी। तो इन सब अच्छी क्वालिटी कोशिश करूँगा और बेटर करने की, आपका प्यार मिलेगा जैसे जैसे मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। सारी चीज़ें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को पूरा देखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।